फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलिंग हॉलीडेज। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम बात करेंगे ऐसे गांव की जिसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता है, भारत तिब्बत सीमा पर बसा छितकुल गांव। इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से 3450 मीटर की ऊंचाई पर किन्नौर जिले में स्थित है, जो बसपा घाटी का लास्ट और सबसे ऊंचा गांव है। हमें अपनी छितकुल गांव की यात्रा के बीच में ये हजारों बकरियां मिली। इन बकरियां चराने वालों को गद्दी कहा जाता है। इस रास्ते पर अक्सर इस तरह ये बकरियां देखी जा सकती हैं। छितकुल गांव कब और कैसे जाएं? छितकुल विलेज हिमाचल की राजधानी शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप बाइक से, कार से जा सकते हैं। सांगला से जाता हुआ रास्ता सांगला पहुँचता है। सांगला से छितकुल गांव करीब 20 किलोमीटर दूर है। शिमला से नारकंडा, रामपुर बुशहर, सराहन, वांगटू, करछम से सांगला होते हुए छितकुल गांव पहुँचा जाता है, और ये रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं। छितकुल गांव में भी स्टे कर सकते हैं और सांगला के अंदर भी स्टे किया जाता है। यहाँ क्या क्या देखने के लिए है? छितकुल में कामरू फोर्ट और सामने देख लोकल पर कह रहा हूँ यार, लोगों की देवी माथी देवी के तीन मंदिर हैं। और छितकुल गांव के ही बिल्कुल पास में बसपा नदी बहती है। छितकुल गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर रुकना ज़्यादा महंगा नहीं है। इस गांव के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छितकुल विलेज अपने आप में प्रकृति की बेजोड़ सुंदरता को अपने में समाये हुए है। यहां उगाए गए आलू को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, इसीलिए लोकल लोग बर्फबारी होने की वजह से निचले हिमाचल इलाकों में चले जाते हैं। छितकुल में सेब भी खूब लगते हैं। सुबह यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि ऐसा लगता है हाथ बर्फ़ में जम गए हों। हम जून में सांगला गए थे और पहला दिन हमने सांगला में स्टे किया था। अगले दिन सुबह हम छितकुल के लिए निकले थे। रास्ते में इतनी ठंड थी कि हमें कुछ किलोमीटर चलने के बाद धूप के अंदर रुकना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में बर्फ़ जम गई हो। इसीलिए अगर छितकुल विलेज की यात्रा जून में भी की जाए तो गर्म कपड़े और हाथों के लिए ग्लव्स जरूर रखें। समय कम होने की वजह से हम छितकुल नहीं रुक सके और सेम डे ही वापस सांगला चले गए थे। अपनी इस यात्रा के बारे में मैं ब्लॉग भी लिख रहा हूँ। आप ब्लॉगर के ऊपर गौरव सिंह चानना के नाम से सर्च कर सकते हैं। इस तरह की जॉब आ रही हैं, इनके अंदर छितकुल के लोग अपना सामान स्टोर करते हैं। हमें छितकुल में बहुत ही सुंदर बच्चे मिले जो बहुत ही नोटी थे। छितकुल में घूमने का अपना ही मज़ा है। छितकुल में आकर बसपा नदी के किनारे ज़रूर जाएं। बसपा नदी के किनारे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है और दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते हैं। चीड़ के पेड़ों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। चीड़ के पेड़ हजारों की संख्या में यहाँ पर हैं। बसपा नदी छितकुल गांव से भी आगे से निकल कर आती है और नीचे जाकर
सतलुज नदी में मिल जाती है। सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है उसी रास्ते से हम नीचे बसपा नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। नदी भी दूर तक दिखाई दे रही है और बर्फ से लदे पहाड़ सामने देख सकते हैं। जुम्मन के टूटने में भी यहाँ पर पहाड़ों पर कितनी बर्फ गिरी है और बसपा नदी का पानी बिल्कुल बर्फीला लगता है। सामने जो टूरिस्ट खड़े हैं ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने बसपा नदी से थोड़ी दूरी पर ही मैगी और कॉफ़ी बनाई थी और हमें भी ऑफर की थी, लेकिन हमें जल्दी थी, हम चले गए थे। इस यात्रा में इतना ही। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।